तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अच्छे टॉपिक्स मिले यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग जो है वीडियो पे ज़्यादा व्यूज चाहते हो, जैसे कि हर एक बंदा चाहता है कि उस पर उसके वीडियोज़ पे जो है ज़्यादा व्यूज आना चाहिए। तो गाइस मान लो कि अगर आप लोग वीडियो अपलोड करते हो हाउ टू गेट व्यूज बोल के अपलोड करते हो या यूट्यूब से रिलेटेड अपलोड करते हो तो आपको व्यूज़ नहीं आते गाइस, क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यूट्यूब पे, कि यूट्यूब के बारे में खुद बता रहे कि भाई यूट्यूब पे आ रहे और यूट्यूब के बारे में बता रहे, जैसे कि मैं खुद बता रहा हूँ जैसे कि हाउ टू गेट व्यूज या हाउ टू गेट सब्सक्राइबर्स, पर उस पर जो है इंप्रेशन भी नहीं आ रहे और आपको सब्सक्राइबर्स भी नहीं आते उससे, क्योंकि व्यूज इतने आते इंप्रेशन भी नहीं आते उससे। तो वैसे इससे क्या होता बोले तो आपका चैनल जो है ग्रो नहीं होता गाइस। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसा कैटेगरी चूज करना है आपकी, बताता हूँ गाइस। तो वही सिंपली है, हम आपको सिंपल बताता हूँ इस वीडियो में, जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद आपको पसंद नहीं आया कुछ लोगों को, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर आप लोग आगे चल के भी अगर उस टॉपिक पे काम करते हो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो में आपको बता दूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो सके, इस वीडियो में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ। तो इस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आपको जो है यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी मतलब कंटेंट नहीं डालना, जैसे कि हाउ टू गेट व्यूज या हाउ टू गेट सब्सक्राइबर्स, इस टाइप से जो है आपको वीडियोस नहीं डालना, क्योंकि इसमें जो है कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि मान लो कि न्यू यूट्यूबर आता है तो वो भी वो उसी वीडियो पे बनाता है, जैसे कि मान लो कि मैं भी एक न्यू यूट्यूबर हूँ, न्यू यूट्यूबर टाइप से हूँ, पर गाइस मुझे पता है कि भाई किस मतलब किस टॉपिक पे अपलोड करने से व्यूज आते हैं गाइस। तो गाइस इस टॉपिक पे अगर अपलोड करते हो यूट्यूब में व्यूज कैसे गेन करें या सब्सक्राइबर कैसे गेन करें तो आपको व्यूज नहीं आते गाइस, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा हर एक बंदा जो है यूट्यूब से रिलेटेड बताता गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ बाजू में देख सकते होंगे, अगर मैं हाउ टू गेट व्यूज लास्ट 1 आवर अपलोड्स पे मैं इस तरीके से टाइप करूंगा तो बहुत सारे वीडियोज आते हैं इस पे, क्योंकि गाइस 1 आवर में ही इतने सारे वीडियोस अपलोड हो गए। तो गाइस आप सोचिए कि आपकी वीडियो इसमें से कहाँ आती, कौन वीडियो देखता आपको, क्योंकि गाइस हर एक बंदा जो है यूट्यूबर ही बनना चाहता है तो आपकी वीडियो कौन देखती गाइस। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब से रिलेटेड जो टॉपिक जो अपलोड कर रहे हैं उस पर ज़्यादा व्यूज नहीं आते, क्योंकि आगे चल के भी प्रॉब्लम हो सकती, जैसे कि मान लो कि अगर आप लोग आगे जाना चाहते हो तो आगे जो है यूट्यूब जो है चेंज कर सकता है पॉलिसीज को, जिससे जो है यूट्यूबर बंद हो सकते हैं गाइस, जैसे कि मान लो कि न्यू यूट्यूबर्स आना बंद हो सकते, कम हो सकते, तो उससे क्या होता बोले तो आपकी जो वीडियोस रहते हैं उससे कोई भी हेल्प नहीं होती गाइस, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिसी चेंज हो गई यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की पॉलिसी चेंज हो गई तो उसमें आपको व्यूज आने के चांसेस नहीं रहते, आपकी जो वीडियो अपलोड करी उसका भी जो काम का नुकसान हो जाता आपका। तो गाइस इसमें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ फ्यूचर का सोच के आप लोग जो है आपका कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी हो गए या टेक्निकल ज्ञान या यूट्यूब चैनल कोई से भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से, तो उसमें आप देख सकते होंगे तो उसमें क्या बोले तो गाइस वो लोग जो अपलोड करते जो कंटेंट आता, जैसे कि जो एंड्रॉइड से रिलेटेड जैसे कि स्मार्टफोन आया या कोई भी गैजेट आया उसके रिलेटेड अगर आप लोग अपलोड करते हो तो आपको व्यूज आते गाइस, जैसे कि मान लो कि कोई भी नया स्मार्टफोन आया तो गाइस उसमें आपको अनबॉक्सिंग करने के लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है गाइस, जैसे कि मान लो कि कोई भी अगर स्मार्टफोन आने वाला है तो उसकी आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, वेबसाइट बहुत सारी वेबसाइट है उसमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, तो वैसे उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए पेपर पे या किस पे भी लिख लीजिए या टाइप कर नोटपैड में लिख लीजिए, तो वैसे उसको जो है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से बताना है, अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है ताकि लोगों को समझ में आ सके और आपको जो है मतलब अच्छे से उसके बारे में रिव्यू करना है एक तरीके से, मोबाइल का रिव्यू करना है। तो क्या होता गाइस बोले तो एक टाइप से अनबॉक्सिंग हो जाता है उसमें गाइस, क्या बोले तो गाइस न्यू फोन आने वाला है तो उसमें ज्यादा सर्च रहते हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो गाइस ट्रेंडिंग में जाइए आप सर्च कीजिए बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं, गैजेट्स में मिलते बहुत सारे टॉपिक्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी में मिलते बहुत सारे टॉपिक्स अगर आप लोग टेक वीडियोज बनाते हो तो गाइस यूट्यूब से रिलेटेड बिल्कुल भी अपलोड मत कीजिए, मैं भी अपलोड नहीं करूंगा, डेली एक वीडियो आएगी यूट्यूब से रिलेटेड और एक चीज और एक वीडियो आएगी जो की होगी टेक से रिलेटेड होगी, क्योंकि गाइस यूट्यूब से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है गाइस और टेक से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ अगर आपको इस वीडियो में जो मैं आपको बताया अगर कोई भी यूट्यूबर बताता तो आप लोग जो है सर्च करना बंद कर देते या टॉपिक्स जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हाउ टू गेट व्यूज बोल के देखते होंगे, क्योंकि गाइस लोग नहीं बताते कि उस वीडियो में कि आपको व्यूज कैसा गेन करना चाहिए। तो गाइस आपकी टॉपिक्स पे जो है डिपेंड करता है कि आपको व्यूज कैसे आते क्या है। तो गाइस इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, तो गाइस आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका होगा इस वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा टेक केयर, बाय बाय।